तो नागिन डांस करेंगे, नागिन नागिन। तो ये मम्मी अभी देखो एकदम साड़ी वाली लग रही है, साथ में इतनी सुंदर ये ड्रेस है और इतना सुंदर। हाय, आज मैं आई हूँ मेरे दिवाली शॉपिंग लेके। क्या क्या मैंने शॉपिंग किया, हम लोगों ने किस किस को हमने क्या दिया, सबके लिए हमने शॉपिंग किया, भर भर के शॉपिंग किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग क्या क्या शॉपिंग किया दिवाली पे मुझे कमेंट में बताना, और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया कुछ और बाकी है थोड़ा बहुत, वो भी आ जाएगा ऑनलाइन। मैं सोच रही हूँ पहले से आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दूँ किसके लिए मैंने क्या लिया, कैसा लगा, सारे डिटेल्स में मुझे कमेंट में बताना। तो मैं शुरू करती हूँ एक एक करके दिखाना। सो गाइस, ये देखो हमने बहुत सारी चीजें शॉपिंग कर ली है, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की है। तो ये देखो इतनी सारी चीजें हमने शॉप की है। चलो अभी मम्मी आप लोग को एक एक करके दिखाएगी कि किसके लिए हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले मम्मी प्रीति का दिखा रही है, प्रीति हमारी हाउस हेल्प है। ये जो ड्रेस है ये मैंने चूज किया उसके लिए क्योंकि मैंने उसे देखा है पहनते हुए। वो अनारकली भी पहनती है, ऐसे ड्रेसेस भी पहनती है, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती है और सलवार सूट भी पहनती है। तो ये मैंने उसके लिए, थोड़ा सा पीछे जाओ मम्मी, हाँ, तो ये वन पीस मैंने उसके लिए मंगाया है और ये काफी अच्छा लगा उसको। तो गाइस प्रीति के लिए ही और एक ड्रेस है, इसके साथ एक चुन्नी भी है। तो उसको ब्लू कलर का कुछ तो ड्रेस चाहिए था, तो मैंने ही ऑनलाइन ये मंगाया है, मतलब ढूंढ ढूंढ के उसको जैसा पसंद है। तो ये और एक ड्रेस हो गया, ये काफी मुझे, ये तो काफी, ये दिवाली में वो पहन सकती है, एकदम दिवाली आउटफिट लग रहा है ये तो, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो। मुझे भी आजकल ऐसे ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है और मम्मी और मैं तो ऐसे ड्रेसेस पहनते ही हैं, तो उसके लिए और एक ड्रेस हो गया। तो ये प्रीति की मम्मी के लिए साड़ी है, हम कभी मिले तो नहीं है उनसे, पर दिवाली में उनके लिए भी हमने लिया है ये साड़ी है। और ये नववारी साड़ी है, हाँ, तो ये नववारी साड़ी है क्योंकि दे आर महाराष्ट्रियन, तो उनको नववारी साड़ी अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये हमने लिया है। सो गाइस, रंजना आंटी को तो आप लोग पहचानते ही हो। रंजना आंटी के लिए हमने चार साड़ी दिया है दिवाली के लिए, तीन ऐसे रेगुलर साड़ी है जो वो पहनती है, मतलब रेगुलर, और एक अच्छी सी साड़ी है मतलब जो वो ओकेशन वगैरह में, मतलब दिवाली में पहनेगी। तो मम्मी आपको खोल खोल के दिखाएगी अभी। ये जो साड़ी है तीन रंजना की डेली वेयर के लिए है। तो ये मम्मी अभी देखो एकदम साड़ी वाली लग रही है। ये दो मैंने चूज किया, ये रंजना ने खुद चूज किया। तो मम्मी रंजना आंटी को लेके गई थी साड़ी खरीदते टाइम, ताकि रंजना आंटी के पसंद के साड़ी होने चाहिए। ये दोनों मम्मी ने चूज किया है और ये रंजना आंटी ने चूज किया है, ये तो मुझे बहुत पसंद है ये भी। तो ये रेगुलर पहनने वाले साड़ी है। तो ये रंजना आंटी के लिए और चौथा साड़ी है जो दिवाली के दिन पहन सकते हैं। खुद चूज की है रंजना ने, खुद चूज, हाँ, तो उन्होंने ये खुद चूज किया है। ये हम खोल नहीं रहे क्योंकि ये बंधा हुआ है पूरा, और ये सारे साड़ी के मैचिंग करके पेटीकोट जो रंजना यूज करेगी। तो और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस यहाँ पे आ गया है, ये देखो, साथ में इतनी सुंदर ये ड्रेस है और इतना सुंदर इसका जो चुन्नी है। मम्मी थोड़ा और पीछे हो जाओ, हाँ हाँ, ये पूरा देखने दो ड्रेस। तो ये ड्रेस है दीपक की वाइफ के लिए। तो दीपक को आप लोग सब पहचानते ही हो, मेरा फ्रेंड है, दिवाली का गिफ्ट है। तो एक चीज हो गया यहाँ पे, जब हमने ऑर्डर किया था तो उनको हस्बैंड वाइफ को ना मैचिंग कलर पहनना है दिवाली में, मैचिंग कलर। तो ये जो कलर मैंने चूज किया, ये मैंने उनको दिखा के चूज किया था। तो दीपक का जो कुर्ता है वो आया दूसरे कलर का, तो अभी मैंने उसको एक्सचेंज पे डाला है और एग्जैक्टली अभी मैंने यही कलर बहुत रिसर्च करके यही कलर का दीपक के लिए कुर्ता मंगाया है, तो वो आने में अभी टाइम लगेगा। तो अब आ गए हमारे लाडला टुकू, वो देखो बैठे हैं। तो ये जो यहाँ पे दूध पी रहे हैं, ये इनका ड्रेस है दिवाली का, महाराजा, एकदम महाराजा बनाएंगे हम दिवाली में इनको। इसके तो साथ में माला भी है महाराजा वाला, और मस्त पैंट है, और ये शेरवानी है। तो इस बार दिवाली में टुकू शेरवानी पहनने वाला है। अभी देखो ये नींद से उठा है जस्ट और दूध पी रहा है, और उसको लगता है कि ये दूल्हे का कपड़ा है, उसको नहीं पहनना ना, तो उसको शादी नहीं करना है ना, तो उसको ये देख के बहुत शर्म आता है। उसका एक ना फोटो मैंने लिया है जब ये आया था,
तो मैंने पहनाया था उसको, एक फोटो लिया है, वो फोटो मैं आप लोग के लिए इधर डाल दूंगी, आप देख लेना वो कैसा लग रहा है, शर्मा रहा है। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये लगा ये ड्रेस, और इस पे इतना जचता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है ये कपड़ा। तो अब है कुर्ते की बारी, ये है शिबा महाराज की जो मेरे दामाद है। तो बहुत अच्छा लगा था जब वो पहना था, बहुत अच्छा लगा था। तो ये शिवा के लिए लिया है हमने, ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है, और सबके कुर्ते सेम है, पापा का, मेरे भैया का और दीपक का भी, तो सबके कुर्ते सेम है, बस कलर सबका अलग है, पर ये शिवा का कुर्ता है। आप लोग बताना कि ये शिवा के ऊपर कैसा लगेगा। गाइस ये पापा का कुर्ता है डबल एक्सल में, और ये बहुत ही सुंदर है। अभी जो ये आप लोग कुर्ता देख रहे हो ना गाइस, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, मेंस का जो कुर्ता है ये एकदम ट्रेंड पे चल रहा है। और ये देखो ये कितना, जब पहनेंगे ना रात को, दिवाली की रात को, तो ये चमकने वाला है पूरा। मम्मी ने ऐसे पकड़ा है तो ही कितना चमक रहा है, ये बहुत ही लाजवाब कुर्ता लग रहा है मुझे तो। सबने ट्राई करके देखा है कि छोटा बड़ा है कि, तभी बहुत बढ़िया लग रहे थे सब लोग। सो गाइस ये एंग्लो दादा का कुर्ता है ब्लैक कलर का, हम दोनों भाई बहन को ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस बार हमने सोचा, हम भाई बहन दोनों ने सोचा कि हम दोनों ट्विनिंग करेंगे और सेम टू सेम कपड़ा पहनेंगे, और एकदम ब्लैक कलर पहनेंगे दिवाली के रात को, नाग और नागिन बनेंगे दोनों। तो नागिन डांस करेंगे, नागिन नागिन। इसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरा आउटफिट। सो गाइस इस बार दिवाली में आप लोग मुझे साड़ी में देखने वाले हो। तो गाइस ये देखो, ये रेडी टू वेयर साड़ी है, ऑलरेडी जो इसका जो फोल्ड्स होते हैं वो बने हुए आते हैं। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, पहली बार मैंने देखा कि मिल रहा है रेडी टू वेयर साड़ी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे साड़ी बांधना आता नहीं है, तो मैंने सोचा मम्मी को क्या परेशान करना। मस्त रेडी टू वेयर साड़ी मैंने मंगा लिया है, और ये देखो ये मेरे भाई का कुर्ता और ये मेरा साड़ी, काफी एकदम सेम। और इसके साथ साथ तीन तीन ब्लाउज ले लिया मेडी ने, पता नहीं कौन सा वो पहनेगी, तो मैं कंफ्यूज थी इसलिए मैंने तीन ब्लाउज मंगा लिया है। मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी गाइस, जो मुझे पसंद आएगा वो रखूंगी, जो नहीं पसंद आएगा वो मैं अच्छे से रिटर्न कर दूंगी। तो अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया है ब्लाउज, हाँ। तो मैं अभी ट्राई करके आज ही डिसाइड करने वाली हूँ ये वीडियो के बाद कि मैं कौन सा रखने वाली हूँ। सो गाइस ये फर्स्ट ब्लाउज है, ये फुल स्लीव ब्लाउज है, तो मैंने तीन ऑप्शन मैंने मंगाया है, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये भी एकदम साड़ी से मैचिंग किया हुआ ब्लाउज है, तो ये हाफ स्लीव ब्लाउज है, ये ऐसे सामने ये है, ऐसे घुमा लो, हाँ तो ये सामने का है। ये मेरे को पहले ही देख के पता चल गया कि इसका नेक है ना बहुत डीप है, तो मुझे ऐसे नहीं जमेगा, तो शायद ये मैं नहीं रखूंगी। और ये थर्ड ब्लाउज है गाइस, ये भी वही फर्स्ट ब्लाउज के जैसा ही है, पर ये हाफ स्लीव है, ये फुल स्लीव नहीं है, तो मैं पहनूंगी पहले तीनों एक एक करके, फिर मैं डिसाइड करूंगी। इसका गला थोड़ा सही है ना। अब आ गया मैडी की नाइट सूट की बारी, जो मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था और बताया था ना कि अभी नाइट सूट भर भर के आ रहा है, तो ये एक हो गया, और देखने में बहुत खूबसूरत है और कम्फर्टेबल भी है, जब वो पहनती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं नाइट सूट के पीछे पागल हूँ, तो ये पहला नाइट सूट आप लोग दिवाली में ले लिया, हाँ क्योंकि न्यू पहनेंगे। तो ये दूसरा नाइट सूट हो गया गाइस, ये देखो येलो कलर का, कलर बहुत मस्त है इसका। वो मुझे नाइट सूट बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, आप लोग को तो पता चल गया है मैं नाइट सूट्स के पीछे कैसे पागल हूँ। भरेगा कबाट नाइट सूट से। तो ये हो गया तीसरा नंबर नाइट सूट। तो ये तीसरा नाइट सूट है गाइस, देखने में तो बहुत बढ़िया है, क्यूट क्यूट सा है, थोड़ा हल्का हल्का सर्दी के मौसम आएंगे तब यूज करेगी ये। मेरा और भी बहुत सारे है पर आप लोग सब फिलहाल आज के कलेक्शन, और भी आएगा, एक दो दो आता रहता है। आप मेरे घर का शाइन शका है, ये मेरा लड्डू का, मेरा प्यारा बच्चा लड्डू का, देखो कुर्ता
सो गाइस, ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के अमेजोन से मंगाया है ये कुर्ता लड्डू के लिए। पता नहीं पहनेगा कि नहीं, काट फाड़ देगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता। से कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर मम्मी ने बोला कि दिवाली के लिए कुछ होना ही चाहिए होना ही चाहिए, तो ये मैंने मंगा लिया है उसके लिए। तो मेरे लड्डू पे ना ये हमने पहना के देखा था, कितना मस्त लगा ये एकदम। पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मैंने ना बहुत देखा है कि जो गर्ल डॉगीज है ना, जो गर्ल डॉग्स है उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, पर बॉयज के लिए बहुत कम ऑप्शन है। ये काफी ढूंढने के बाद मुझे ये ऑप्शन मिला, पर ठीक है, ये परफेक्ट लग रहा है लड्डू के ऊपर। तो अभी आप लोग देखो, ये मम्मी के दिवाली का साड़ी। तो ये साड़ी गाइस मैंने मंगाया है, बिल्कुल मम्मी को नहीं पता था कि ये मैंने मंगाया है, मैंने खुद से ये चूज करके ऑर्डर किया है। मुझे तो ये काफी सुंदर लगा, ब्लैक कलर के रोजेस बने हुए हैं इसमें और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी मम्मी कोई सा भी साड़ी पहनती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है मम्मी साड़ी में। और दिवाली के दिन का वीडियो तो आप लोग देखने ही वाले हो पहनने के बाद, बहुत ही मतलब बहुत ही फेस्टिवल वाला साड़ी है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को मम्मी का साड़ी कैसा लगा। और दो साड़ी आने वाला है मम्मी का, तो वो भी व्लॉग में आपको मम्मी दिखाई देगी, है ना? हाँ, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग यूनिक टाइप का लगा, ऐसा हाँ। कलर मेरे पास नहीं भी है। तो और एक साड़ी मम्मी ने लिया है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत सस्ता है, इतना इसका रेंज तो हैरान होने वाली है। तो ये बहुत ही हैरानी होगी आप लोग को इसका प्राइस सुन के। ये जब मैं रंजना के लिए साड़ी लेने गई तो ये काफी सस्ता साड़ी है गाइस, आप लोग गेस करके बताना कितना होगा, कि ये इसका प्राइस क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसका प्राइस राइट होगा ना, मम्मी उनके कमेंट में रिप्लाई कर देगी बिल्कुल। और आप लोग कम से कम ही गेस करना, क्योंकि ये साड़ी काफी सस्ता है। मुझे सस्ता साड़ी बहुत पसंद आता है, मम्मी को सस्ते सस्ते साड़ी बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लू कलर देख के ना मुझे लालच पड़ गया, मैंने वो सस्ता वो देखना जरूरी नहीं है, हमें जो चीज खूबसूरत लगता है वो ही लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मुझे वो 5,000-6,000 की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। तो ये साड़ी मम्मी जब पहनेगी ना बहुत ही सुंदर लगने वाली है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है गाइस, और ये मम्मी का फेवरेट कलर है। तो कैसा लगा हम लोगों की कलेक्शन, सबको जो हमने गिफ्ट दिया थोड़ा बहुत कैसा लगा आप लोग जरूर बताना कमेंट में। मेरे साड़ी, मैडी के साड़ी, एंग्लो की कुर्ता, आशिबा की, और अभी आएगा दीपक का भी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा साड़ी और आएगा दो, और भी कुछ अगर ले लिया तो साथ में सब कुछ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताओ, आप लोग भी बहुत खुशियां मनाओ दिवाली में, साल में एक बार आता है, स्वस्थ रहो, खूब खाना खाओ अच्छे अच्छे, और खूब अच्छे से शॉपिंग करो। और आप लोग क्या क्या शॉपिंग करोगे हम लोगों को कमेंट में जरूर बताना, आप लोगों ने क्या क्या लिया, साड़ी कुर्ता जो भी लिया हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का हॉल, दिवाली हॉल खत्म होता है, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।